तो बस ये हमारे वाइट कपड़े जो हैं वो अब हम इनको निकालने लगे हैं अलग से टप में। बस अब ये पानी, इसमें हमने अपने वाइट कपड़े वॉश किए थे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और इसी के अंदर हम अपने कलर्ड कपड़े जो हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि कलर कपड़े और वाइट कलर कपड़े हैंग हुए हुए हैं, जो कि मैंने एक साथ धोए हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, और आप सब हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक साथ वॉशिंग मशीन के अंदर आप कैसे कलर कपड़ों और वाइट कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है ताकि आपको पता लगे कि एक साथ आप इन दोनों कपड़ों को कैसे वॉश कर सकते हैं, कि वाइट कपड़ों को और कलर कपड़ों को आप एक साथ कैसे वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी और इंस्टा पर भी। व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं अपने वॉशिंग मशीन के पास। सबसे पहले करने लगे हैं हम अपना वॉशिंग मशीन का स्विच बटन ऑन। स्विच बटन ऑन करने के बाद हम अपने वॉशिंग मशीन के अंदर डालेंगे ये वाइट कपड़े। व्यूअर्स, इसके अंदर अब हम डालने लगे हैं कपड़े। कपड़े मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा खोल कर डालें। देखें, जो आपकी 12 kg और 15 kg वाली वॉशिंग मशीन है उसमें सब कहते हैं कि जी हमें शिकायतें आती हैं इसके रिंस और उस पर, तो आपके लिए मैं कहती हूँ कि कपड़े आप हमेशा इसके अंदर खोल कर डालें। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं डिटर्जेंट। आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं एरियल यूज़ करती हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ मैं कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, आप वो मेरी वीडियो जाके यूज़ कर देख सकते हैं। अब हमने डिटर्जेंट डाल दिया है। अब मैं पावर बटन ऑन करने लगी हूँ वॉशिंग मशीन का। पावर बटन ऑन करने के बाद मैं आपको कहूँगी कि अब हम इसका सॉक जो है वो टाइम यूज़ करेंगे। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपने कपड़ों को साफ कैसे वॉश करना है। साफ कपड़े आपके तभी वॉश होंगे जब आप उसको कुछ देर डिटर्जेंट वाले पानी में सॉक करके रखेंगे। तो यहाँ हम उसको 20 मिनट सॉक करके रखेंगे। रिंस टाइम आपने 2 टाइम कर लिया है, और जो है क्या कहते हैं स्पिन टाइम 5 मिनट है, और आपके चारों फंक्शन ऑन है। और ये हम कॉटन के ऊपर जो है इसे वॉश कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वॉश करने वाले कपड़े कॉटन के ही हैं। तो अब हम ये करने लगे हैं वन टेस्ट सॉल्यूशन। अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। बस ये देखें, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आप इस तरीके से जो है स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं लेकिन ये इस तरीके से पानी लेने के बजाय स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम करती है वॉशिंग मशीन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। आपने जो है सारी सेटिंग बिल्कुल ठीक की है। तो अब देखें वॉशिंग मशीन अपना पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। अब ये पानी लेगी, पानी लेने के बाद ये वॉश करेगी और 20 मिनट जैसा कि हमने बताया सॉक करेगी अपने अंदर। बीप बीप लाइट कर रही है जो बता रही है कि अभी सॉक फंक्शन स्टार्ट होगा। सॉक फंक्शन हमने 20 मिनट सेलेक्ट किया है, फिर वॉश होगा, फिर रिंस होगा और फिर उसके बाद स्पिन होगा। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारा सॉक का फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो है 20 मिनट्स सॉक के जो थे हमने लगाए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है वॉश, रिंस और स्पिन का साइकिल है। तो वॉशिंग मशीन मैंने अभी यहाँ पॉज की हुई है और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से हमारे वाइट कपड़े जो है जो डिटर्जेंट के अंदर वो सॉक हो गए हैं 20 मिनट के लिए। अब हम इसको वॉश पे लगाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप इसके प्रोग्रेस में इसके वॉश को आप 2 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। आप 2 टाइम रिपीट करें तो भी जो है आपके जो कपड़े हैं वो इजीली जो है वो वॉश हो जाएंगे। कॉटन पे है 10 मिनट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको इसको 2 या 3 टाइम इसके वॉश साइकिल को आप इसको रिपीट कर सकते हैं तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से वाइट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ करने लगी हूँ कि सॉक तो हो गया है। सॉक होने के बाद मैं अब चाह रही हूँ कि एक दफ़ा और जो है वो वॉश हो जाए 10 मिनट, उसके बाद फिर मैं उसको रिपीट करूँगी। तो ये हम वन टेस्ट सॉल्यूशन करने लगे हैं और हम इसको चाहेंगे कि ये वॉश हो जाए अच्छे से। व्यूअर्स, हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर वाइट कपड़े जो हमने डाले थे वो हमारे वॉश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने कलर्ड कपड़े डालने लगे हैं। तो उसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने करना है वॉशिंग मशीन का अपना स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद जो है अब हम इसके अंदर जो है अपने वाइट कपड़े निकालेंगे और कलर्ड कपड़े इस पानी के अंदर हम डालेंगे। व
व्यूअर्स, ये हमारे वाइट कपड़े जो हैं वो अब हम इनको निकालने लगे हैं अलग से टप में। आप चाहें तो ऐसे ही निकाल लें। अच्छा, इससे पहले जो है बटन पैनल यहाँ होता था तो सब बोलते थे कि जी उसे जो है वॉशिंग मशीन का बटन पैनल ख़राब हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस मटेरियल का बनाया होता है कि वहाँ अगर पानी गिर भी जाए वॉशिंग मशीन का तो बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होता। व्यूअर्स, अब ये पानी, इसमें हमने अपने वाइट कपड़े वॉश किए थे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और इसी के अंदर हम अपने कलर्ड कपड़े जो हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मशीन को करेंगे बंद, मशीन का करेंगे स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के बाद हम करेंगे पावर बटन ऑन और जस्ट वॉश पे हम इसको जो है क्या कहते हैं वॉश करेंगे। मशीन थोड़ा सा पानी लेगी और फिर इसको वॉश करेगी। व्यूअर्स, आप जैसे कि देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन ने हमारे कलर्ड कपड़े वॉश कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम वो कपड़े डालेंगे, वाइट कपड़े जो हमने अलग से निकाले थे। ये बहुत अच्छे से रिंस भी हो गए हैं, स्पिन भी हो गए हैं। ये वो कपड़े हैं, वाइट कपड़े जो हमने पहले से निकाल लिए थे सोप वाले। इन कपड़ों को पहले आपने अच्छे से खोल कर फैला लेना है, क्योंकि अगर आपने खोल के नहीं फैलाया तो मशीन बार बार जो है वो रिंस करेगी और वो रिंस भी सही नहीं हो पाएंगे उससे। तो आपने कपड़ों को पहले अच्छे से खोल कर फैला लेना है, फिर उसके बाद आप मशीन बंद करके स्विच बटन ऑन करके पावर बटन ऑन करके आप इसको जस्ट प्रोग्रेस पे रिंस एंड स्पिन सेलेक्ट करेंगे। कपड़े कम हैं तो मैं एक ही दफ़ा रिंस को ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी और 4 मिनट काफ़ी है। इसका वाटर लेवल लो, क्योंकि मशीन में कपड़े कम हैं। आप ये देख सकते हैं वाटर लेवल इसका मैंने लो कर किया है। सोक की हमें ज़रूरत नहीं है, रिंस मैंने 1 टाइम, स्पिन हमने 4 मिनट्स किया है और रिंस और स्पिन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और मैं इसको 1 टच सॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मशीन स्टार्ट हो गई है। अब वॉशिंग मशीन का वही प्रोसीजर होगा सेम। सबसे पहले ये रिंस कर, ये इस वक्त घूम रही है और इसका अंदर जितना भी रिंस से पहले डिटर्जेंट था वो सारा उसको निकाल रही है। सबसे पहले स्पिन करने का मतलब ही है कि रिंस से पहले वो अच्छे से इसके अंदर डिटर्जेंट सोप जो भी आपने डाला था वो उसको अच्छे से रिंस करेगी, उसके ड्रेन करेगी, उसके बाद जो है फिर वो उसके अंदर पानी लेकर अच्छे से उसे वॉश कर देगी। व्यूअर्स, आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से जो है वीडियो समझ आई होगी कि किस तरीके से आप एक साथ वाइट कपड़ों कलर कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप एक ही सर्फ को बार बार किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत सराहा गया और बहुत उसे पसंद किया गया। और इसके अलावा बहुत सारी मैंने टॉपिक्स पे प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम्स पे मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप वहाँ जा सकते हैं मेरे चैनल पर और देख सकते हैं। आपसे छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, तो मैंने छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वीडियोस बनाई हैं। आप जाएं मेरे चैनल पर और चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टा पर। इसके अलावा वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। 24 आवर्स आपको इसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, तो फॉलो करते रहिए हिनाज हेवन को। थैंक यू।